हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डेस्क क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे हमारी फैक्ट्री से, जहाँ पे भी हम क्रिकेट इक्विपमेंट बनाते हैं। हर वो इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं एज रिगार्ड टू क्रिकेट इक्विपमेंट, हमारी कोशिश रहती है आप तक वो सारा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए वीडियो के माध्यम से। कॉन्टेस्ट 17 बहुत ही जबरदस्त आज शुरू होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिए। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही कॉमन वर्ड जो चलता है बैट मेकिंग में, बैट की प्रोफाइलिंग में, बैट की शेप मेकिंग में, जिसको आम लोग डक बिल प्रोफाइल कहते हैं या डॉल्फिन प्रोफाइल भी कहते हैं। बहुत से लोग हमारे से डिमांड करते हैं कि हमारा ये प्रोफाइल का बैट बना दीजिए, डक बिल प्रोफाइल बना दीजिए। वो सिर्फ इसलिए कि फेमस है कि किंग कोहली खेलता है डक बिल प्रोफाइल से, मेरा भी बना दो। बट बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो प्रोफाइल होती क्या है। कुछ वीडियो पहले मैंने किया हुआ है, पर इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाया था, बट बहुत सी क्वेरीज आ गई। तो आज का वीडियो डक बेल प्रोफाइल के ऊपर। देखिए, बैट की बहुत तरह की प्रोफाइलिंग चलती है, फुल प्रोफाइल, स्वीट स्पॉट की प्लेसमेंट, सेंटर में है तो हाई मिडल, नीचे है तो लोअर मिडल, सेंटर में मिडल। तो ये बहुत सी डिटेल्ड वीडियो उसमें किया हुआ है, बट आज का वीडियो मैं कन्फाइंड टू रखूंगा सिर्फ डक बिल प्रोफाइल के ऊपर। देखिए, डक बिल प्रोफाइल जो होती है वो डक बिल उसको इसलिए कहते हैं कि जो भी बैट की प्रोफाइल, जो भी स्वीट स्पॉट जब खत्म हो रहा होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हर प्रोफाइल में ये स्वीट स्पॉट धीरे धीरे आगे जाके डाउन होता है। ये स्वीट स्पॉट आगे जाता है, डाउन होता है, और एक अच्छा खासा चंक यहाँ पे होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये हमारे पास एक बैट है, इसका स्वीट स्पॉट यहाँ पे है, बट ये डाउन होते 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 यहाँ पे खत्म हो रहा है, और इस एरिया में अच्छी खासी वुड अवेलेबल है। ये एक नॉर्मल प्रोफाइल है बैट की, ये मिडल प्रोफाइल बैट है जिसका स्वीट स्पॉट यहाँ पे है, और ये ढलते ढलते यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। ये रेगुलर प्रोफाइल है क्रिकेट बैट की। बट डक बिल प्रोफाइल में क्या होता है कि ये जो स्वीट स्पॉट है ये इमीडिएटली खत्म हो जाता है, स्वीट स्पॉट इमीडिएटली खत्म हो जाता है। और इसकी शेप आपको ऐसे प्रॉपर आइडिया होगा कि ये देखिए, ये स्वीट स्पॉट यहाँ पे ही खत्म हो गया और यहीं से ही सारी वुड निकाल दी। ये एरिया प्रॉपर फ्लैट है, इसमें कोई वुड की गोलाई नहीं दी गई है, तो इसकी जो लुक है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो इसकी लुक है, इसकी शक्ल बत्तख के मुंह जैसी बन जाती है। आप कोई भी पिक्चर डक की देखोगे तो वो कुछ ऐसा ही अपील करेगी, या डॉल्फिन का आप फेस देखोगे तो वो काइंड ऑफ कुछ ऐसा अपील करेगा। तो जो भी स्वीट स्पॉट इमीडिएटली खत्म हो जाता है और उसके नीचे से ही वुड रिमूव हो जाती है, उस शेप को डक बिल प्रोफाइल कहा जाता है। होपफुली आप समझ गए होंगे अब इसकी जरूरत और ये शुरू कब हुआ। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ऊपर के लेवल के बॉल की क्वालिटी बहुत जोर शोर से इम्प्रूव कर दी। बॉलों में हार्डनेस कम होगी, बॉलें सॉफ्ट होगी, बाउंसी होगी। आप जो वाइट बॉल, एक टॉप ऑफ द लाइन वाइट बॉल जिससे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, आपने कभी हाथ में लिया हो, तो अगर आप उसको पिच के ऊपर बाउंस करोगे तो वो टेनिस बॉल जितना उठता है।
अब उसका डक बिल से क्या लेना देना, उसका ये लेना देना है कि बॉलों की इंप्रूवमेंट के जैसे जैसे टाइम लग रहा था बॉलों को इंप्रूव करने के लिए, वैसे वैसे बैट में चेंजेस आ रहे थे। अब बॉल सॉफ्ट हो गया था, बॉल बाउंसी हो गया था, बॉल नीचे नहीं रह रहा था। तो प्लेयर्स बहुत क्लेवर हैं, हम मेकर उनके साथ चलते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट को जज करते हैं और ट्राई करते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। डकविल प्रोफाइल इसलिए एग्जिस्टेंस में आई क्योंकि बॉलें चढ़ के आती थी, बॉलें बहुत कम नीचे रह रही थी, और अगर नीचे रह भी रही थी ना तो वो इतनी हार्ड नहीं होती थी कि वो बैट को डैमेज कर दे। तो प्लेयर्स अननेसेसरी जो यहाँ का वेट है वो उठाना नहीं चाह रहा था। प्लेयर चाह रहा था कि ये जो स्वीट स्पॉट है बड़ा कर दो, यहां से जो वुड निकालने का वेट आपके हाथ में आएगा वो इसमें डाल दो, सो दैट कि जहां पे प्लेइंग एरिया है बॉल का वो मैसिव हो जाए, क्योंकि ये एरिया यूजलेस है। बॉलें चढ़ के आती हैं, नीचे बॉल लगनी कोई नहीं है, सारी बॉल प्लेसमेंट ही सेंटर में होनी है, तो क्या फायदा ये नीचे की वुड उठा के। ऊपर के जितने भी प्लेयर हैं या जो एक अच्छा लेवल खेलते हैं वो डकबिल प्रोफाइल अफोर्ड कर सकते हैं, बॉलें अच्छी हैं, चढ़ के आती हैं। आपको जरूरत नहीं है यहां से एक एक्सेसिव वुड का वेट कैरी करना। जब बॉल आनी चढ़ के है, बॉल यहां पे लगनी है, कोई एक ऑड यॉर्कर आ भी जाता है, लग भी जाता है, तो बैट को कोई हार्म नहीं होता। अब आपकी रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट, हमने बॉलें लगानी है 250 रुपए वाली, हम डिमांड करते हैं डकबिल प्रोफाइल। हमारी पिचें भी वैसे ही हैं, बॉल बत से बदतर हो गए हैं, उल्टा चल गया ना काम। ऊपर के बॉल इंप्रूव से इंप्रूव होते गए, नीचे के बॉल खराब से खराब होते गए। बैट हमको ऊपर वाले रेप्लिका चाहिए, बॉलें हमारी वर्स्ट से वर्स्ट हो रही हैं, हम क्या करें। हम ऑर्डर करते हैं डकबिल प्रोफाइल, बॉलें लगाते हैं 250 रुपए वाली, हम बना के दे देते हैं, फर्क क्या है। बिल्कुल फ्लैट है, यहां पे कोई वुड नहीं है, यहां पे वुड है, ये प्रॉपर वुड है। यहां पे जड़ पे कोई बॉल लगेगा बैट दो फाड़ कर देगा, क्योंकि कोई कुशन नहीं है पीछे। ये फिर बियर कर जाता है, ये फिर सह जाता है। तो जो भी मेरे भाई सस्ती बॉलें यूज करते हैं और हमारे से डिमांड करते हैं कि डकबिल प्रोफाइल बना दो, हमें कोई मुश्किल नहीं है बनाने में कोई भी प्रोफाइल, बट आप ऑर्डर करने से पहले ये पार्ट जरूर दिमाग में रख लीजिए कि डकबिल में ये एरिया बिल्कुल खाली रहेगा, यहाँ पे कोई कुशन नहीं है, यहाँ पे आपका 250 रुपये वाला बॉल लगेगा तो बैट दो फाड़ हो सकता है। हम बनाते हैं ये डकबिल प्रोफाइल, इनफैक्ट थोड़ा और हाई, ये हमारा हार्ड टेनिस बॉल का वेरिएंट है, इसमें हमने डकबिल प्रोफाइल दे रखी है, सारी चीजें दिमाग में रख के जो ऊपर की क्रिकेट में चलती है। हार्ड टेनिस बॉल नीचे नहीं रहनी, चढ़ के आनी है, बन के आता है बॉल, तो क्या जरूरत है यहां का वेट कैरी करने की। डकबिल बनाया है, वेट भी लाइट हो गया और ये पोर्शन भी मैसिव हो गया जिसके पीछे बॉल लगनी है, तो भी कोई बहुत ज्यादा मोटा रखने की जरूरत नहीं है। टेनिस बॉल से दो फाड़ नहीं होता कभी भी बैट। अगर आपको कोई एग्जाम्पल है कि हाँ टेनिस बॉल लगने से बैट दो फाड़ हो गया, तो आप गलत हो। वो दो फाड़ तब होता है जब आप कंक्रीट पे खेलते हो और बैट कंक्रीट पे बजता है। टेनिस बॉल में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो बैट दो फाड़ कर दे। तो आई एम होपफुल कि कुछ समय लगा होगा डकबिल प्रोफाइल क्या ऑर्डर करना है और क्या एक्चुअली होती है। ये हमारे कैप्टन कोहली डकबिल प्रोफाइल यूज करते हैं, सेम रीजन, बहुत ही टेक्निकली परफेक्ट बैट्समैन, उसको पता है वो क्या यूज कर रहा है,
उसको बैठ के एक एक एमएम का आइडिया है कि उसको स्वीट स्पॉट कितना ऊंचा चाहिए, उसको टो की मोटाई कितनी चाहिए, उसको पता है कि उसने सारे बॉल मिडल करने हैं, क्योंकि अच्छी क्रिकेट है, बॉल चढ़ के आता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी हम किंग कोहली बैट की मेकिंग आपके लिए लेके आए। कोशिश रहेगी कि अगले संडे ही हम आपको उसके ऊपर वीडियो करके दें कि वो कैसे बैट से खेलते हैं, क्या वेट है उसका, क्या एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं, सो दैट कि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली इस वीडियो के आउटकम से निकला क्या, हमने बनाया क्या। कॉन्टेस्ट 17 सिर्फ 3 क्राइटेरिया, आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज लाइक करना है और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है। लास्ट डेट है 2 सितंबर 2023 और आपको एक सिंपल सा जवाब देना है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्सर किस प्लेयर ने मारे हैं, हु हिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट। आपको 2 सितंबर तक अपना जवाब देना है और हमें वेट रहेगी आपके सही जवाबों की। और आप हमें थोड़ा सा इस रिगार्डिंग भी गाइड कीजिए, आप हमें बहुत से एनकरेजमेंट के मैसेज डालते हैं और साथ में एक ऐसे भी लिंक भेजते हैं कि यार हमें समझ नहीं लगता कि आपका क्रिकेट के रिगार्डिंग इतना तगड़ा कंटेंट है और आप इतने लोगों को अवेयर कर रहे हो और आप इतने लोगों को गाइड कर रहे हो। ये फलाना चैनल कुछ ऐसा है पर इसकी व्यूअरशिप इतनी है और आपकी क्यों नहीं है, आप कुछ करो। भाई मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें गाइड कीजिए या आप आगे से आगे ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए सबको, सो दैट कि बहुत से लोग जुड़े। आपको जो लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है और सभी को जानना चाहिए तो ये शायद आपकी ही हेल्प से होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हमें सजेशंस भेजते रहिए, हमें वेट रहेगी आपकी सजेशंस की। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।